औज बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाज रख लेना कि मैं तुम्हारा हूँ, लाज रख लेना कि मैं तुम्हारा हूँ, वो गुनाहगार हूँ या रसूल अल्लाह। जी लीवर, इस वक्त हम गुजर खान के एक बहुत ही खूबसूरत होटल में मौजूद हैं जी। आज हमने यहाँ खाना भी खाया है और यहाँ हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए हमने डिस्कस किया जी, एक नया ड्रामा जी, टीवी के लिए ड्रामा है जी, जिससे तहरीर किया है शफीक रहमान साहब ने, जिसके प्रोड्यूसर हैं बाबर अली साहब और डायरेक्शन देंगे जी साबर साहब। और इसमें कास्ट में हम दो तो मौजूद हैं, सब बाबर साहब भी हैं, लेकिन इस्लामाबाद की जो अच्छी कास्ट है, जो क्रीम है, वो इस ड्रामे में काम करेंगे, क्योंकि ये इस ड्रामे का नाम है जी एहसास। तो जैसा कि मैंने बताया कि शफीक रहमान लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है, जब वो लिखते हैं तो बहुत खूबसूरत लिखते हैं। तो कास्टिंग अभी बाबर साहब और साबर साहब ने करनी है, तो उम्मीद है जी कि ये ड्रामा बहुत ही अच्छा जाएगा और हम इस ड्रामे को यहाँ खिताब कोटवार में और इस्लामाबाद, बहरिया, गुजर खान और जो ना पहाड़ी एरिया में चाहिए वहाँ पे करना है, कि मरी में भी मरी में रिकॉर्डिंग है, कश्मीर में करेंगे जी। तो दोस्तों नज़री, ये ड्रामा हमारा जो है ये पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड के सनराइज चैनल है वहाँ पे भी चलेगा और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है ये हमारा हो जाएगा जी। अभी और जैसे कि बाबर अली ने बताया कि यहाँ पे इंग्लैंड में सनराइज चैनल है, तो वहाँ पर पहले भी इन्होंने आपने वो जो ड्रामा लिखा था अभी इतबार, तो ये भी जो ना एहसास है, क्योंकि जो ना ड्रामा जो लिखा है शफीक रहमान में बहुत ही खूबसूरत और दुखी स्टोरी है। तो इसमें जो ना साजिद साहब की बहुत अच्छा रोल है, मेरा भी है, बाबर साहब का भी, तो बाकी कास्ट क्योंकि हमने अभी फाइनल कर रहे हैं, फाइनल नहीं किया क्योंकि फाइनल तो बाबर साहब और साबर साहब भी करेंगे। नहीं, आपकी राय भी लेंगे साहब। हाँ, मैं ये कि मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप तीन नाम लिखेंगे ना एक करेक्टर के ऊपर तीन नाम, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें कौन सा अच्छा एक्टर है। आपकी राय लाजमी जी। ठीक है जी, तो व्यूअर्स इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम इसी तरह आपस में जुड़े रहें और ये आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम लेकर आते रहें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके लिए ड्रामा लेकर आ रहे हैं। एहसास, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।